भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच पर आक्रमण हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा है, चारों तरफ से आरएसएस और बीजेपी आक्रमण कर रहे हैं। आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की कैसे मदद होती है, कैसे रक्षा होती है हिंदुस्तान में? संविधान सब जानते हैं, संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया। उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है। और ये हर रोज संविधान पे आक्रमण करते हैं 24 घंटा, क्योंकि ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को हक मिलना चाहिए। तो आपसे शिक्षा छीनेंगे, स्वास्थ्य छीनेंगे, जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे। तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिए जाए तो आपके बच्चों का क्या होगा? पढ़ नहीं पाएंगे। फायदा किसका? बीजेपी का। जो प्राइवेट अस्पताल होता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर हो जाता है, तो अगर सरकारी अस्पताल सब बंद कर दिए और पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया तो नुकसान किसका? गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का। जहां भी ये राज करते हैं आप देख लीजिए, शिक्षा के सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने ही दो तीन मित्रों को दे रहे हैं। तो रोजगार का रास्ता बंद, शिक्षा का रास्ता बंद, बीमार हुए तो अस्पताल बंद, और फिर आपसे कहते हैं भैया देखो हिंदुस्तान की बात मत करो, आप लोग वनवासी हो, बात करनी है तो जंगल की करो। जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई। और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है। ये सिर्फ आप पर आक्रमण नहीं है, देश पर है। तो सबसे जरूरी बात संविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है। और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।